क्या थे? आपने देखा जो रैंक वन में आए, कैसे उनके सर पे ताज सजा, कैसे उनके हाथ में ट्रॉफी आई, कैसे उनका माला से फूलों से स्वागत किया गया। आपने अपनी आंखों से देखा, आपने देखा रैंक टू वाले आए उनका सम्मान कैसे हुआ, रैंक थ्री वाले आए उनका सम्मान कैसे हुआ। ये बिजनेस है मेरे दोस्त, ये वो बिजनेस है जो हमारी जिंदगी को बदलता है। मैं खुश नसीब हूं कि मैं आज इस कंपनी का हिस्सा हूं और आज हम सब लोग इस कंपनी की कौन सी सालगिरह मना रहे हैं, कौन सी सालगिरह? 23 साल पूरे कर चुकी है कंपनी और अब कंपनी 24वें साल में चलना शुरू करेगी। और मुझे पूरा यकीन है, मैं देख रहा हूं, क्योंकि जब मैंने बिजनेस की शुरुआत की उस टाइम इस कंपनी को 8 साल हुए थे, यानी कि मुझे आज करते करते कितने साल हो गए हैं, 15 साल हो गए। मैं 15 सालों से, मैं पिछले 15 सालों से अपनी नंगी आंखों से इस कंपनी को लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियां बदलते हुए देख रहा हूं और मुझे पूरा यकीन है कि 2024 में आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो ऐसे ही कोई स्कूटी ले चुका होगा, कोई मोटरसाइकिल ले चुका होगा, कोई अपने लिए 4 चक्का ले चुका होगा, कोई अपने कच्चे मकान से पक्के मकान में जा चुका होगा। ये वो बिजनेस है मेरे दोस्त जो लोगों को फर्स्ट से अर्श में लेकर जाता है। ये वो कंपनी है जो लोगों की जिंदगी को 3 से 4 साल के अंदर रोड से करोड़ में लेकर जाती है। और आप सभी लोग खुश नसीब है कि आप लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी व्यक्ति के माध्यम से आज इस इवेंट का एक हिस्सा बने हो। मुझे पूरा यकीन है, मैं देख रहा हूं, मैंने 15 सालों से ये चीजें देखते देखते मैं आज यहां तक पहुंचा हूं। 15 सालों में जैसे आप लोग बैठे हैं, मैं भी जब मैंने शुरुआत हुई थी बिजनेस की, एक ऐसा ही प्रोग्राम हुआ था, मैं अपने भाइयों के साथ बैठा था किसी पीछे कोने में, वहां पे एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है संजय जैन। वो अपनी शेयरिंग बोल रहे होते हैं, जैसे मनीष और राज जी ने अपनी शेयरिंग बताई, जैसे आनंद ठाकुर जी ने अपनी शेयरिंग बताई, जैसे आज मैं बता रहा हूं, ऐसे वो शेयर कर रहे थे, अपनी बात लोगों तक रख रहे थे। उन्होंने कहा कि जब मैं इस कंपनी में आया तो मेरे जूते ऊपर से चमक रहे थे, मेरे जूते का सोल फटा था। और आज कई लोग ऐसे होंगे यहां। उन्होंने कहा जब वो बिजनेस में आए थे तो लाखों रुपए के कर्जे में थे, लेकिन उन्होंने 8 साल इस कंपनी को किया, 8 साल इस कंपनी का हाथ पकड़ा और 8 साल में उस कंपनी ने, जिस कंपनी का हाथ संजय जो जैन सर थे उन्होंने पकड़ा था, उन्होंने उस व्यक्ति को रोड से निकाला, करोड़ में लेकर आए। सोच कर देखिए, जब ये बात मैं सुन रहा था मुझे लगा यार ये अकेला बंदा अगर 8 साल में 8 करोड़ कमा सकता है, फिर हम तो 4 भाई हैं। समझ आ रहा है? अगर अकेला बंदा 8 साल में 8 करोड़ कमा सकता है, हम तो कितने भाई हैं? 4 भाई हैं। मैं नहीं कहता 8 करोड़, मैं नहीं कहता 5 करोड़, मैं नहीं कहता 4 करोड़, 3 करोड़, अगर हम 4 भाई 8 साल में अगर 1 करोड़ ही बना रहेंगे ना, तब भी हमारी जिंदगी बदल जाएगी। ये छोटी सोच लेकर मैं सेफ शॉप में आया था, ये छोटी सोच के साथ सेफ शॉप किया था। और आज मेरे दोस्त फख्र के साथ कहते हैं कि आज इन 15 सालों में हमने 15 करोड़ नहीं कमाए, हमने 15 गुना कितना होता है, 30 करोड़ से ज्यादा कमा लिया। तो ये ताकत है, ये ताकत है इस कंपनी की, ये ताकत है इस कंपनी की। ये पेड़ है, हम इस पेड़ के कहीं किसी कोने में एक टहनी के रूप में देख लीजिए, एक पत्ते के रूप में देख लीजिए, और जो मैं था वो आज आप। समझ आया नहीं आया? जो मैं था, मैं भी 0 था जब इस कंपनी में आया था, जब इस कंपनी का हाथ हमने पकड़ा था पटियाल ब्रदर्स ने, हम भी 0 थे, हम भी कहीं नौकरी कर रहे थे, किसी की सैलरी 10,000 थी, किसी की 15 थी, किसी की 20 थी, हम भी 10-15-20 हजार रुपया कमाने वाले लोग थे।
हमने जब इस कंपनी को पकड़ा हम भी जीरो थे, लेकिन आज जीरो से निकलते निकलते इन 15 सालों ने इस कंपनी ने हमें जीरो से क्या बना दिया, हीरो बना दिया, क्योंकि भाई की फिल्म फरवरी महीने में आने वाली है। समझ आ गया? यानी कि ये कंपनी लोगों को हीरो भी बनाती है। समझ आ गया? क्योंकि मेरे जो बड़े भाई हैं भूषण पटियाल सर, उनकी फिल्म आने वाली है फरवरी या मार्च के महीने में, आप लोग सिनेमा घर में जाकर देख सकते हैं। तो ये ताकत है कंपनी की, ये सपनों के पंख दे देती है। अगर सपने हैं, है ना, जिंदगी दाल रोटी तक तो नहीं है ना, कि नहीं बस मेरे को आज ये दाल नहीं खानी, कल वो सब्जी नहीं खानी, बस दाल सब्जी बदलते जाओगे, क्या जिंदगी नहीं बदलनी है, क्या घर नहीं बदलना है, क्या बिस्तर नहीं बदलना है, क्या बच्चों का स्कूल नहीं बदलना है, क्या अपनी गाड़ी नहीं बदलनी है, सब कुछ बदलना है। और मुझे पूरा यकीन है जो इस कंपनी का हाथ पकड़ेगा, जो हमारे सिस्टम से चलेगा, यकीनन 4 से 5 साल के अंदर आप देखोगे वो व्यक्ति रोड से निकला होगा और करोड़पति बनकर बैठा होगा। बस वो यकीन के साथ आपको अपने मेंटर का हाथ पकड़ कर चलना है, वो यकीन के साथ आपको अपने सीनियर का हाथ पकड़ कर चलना है, सिस्टम के साथ चलना है। कंपनी आपके साथ हमेशा रहेगी, जब तक आप इस दुनिया में हैं तब तक भी, और अगर नहीं रहे तब तक। आपने देखा ना अभी इस व्यक्ति का फोटो यहाँ पे बार बार आ रहा है, कृष्णा ओराम, जिनका जिक्र मनीष ओराम जी ने भी किया था। सोच कर देखिए, मरने का किसी को पता नहीं होता है, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने परिवार के लिए मेहनत कर रहा है, हर व्यक्ति, चाहे वो टेम्पो चला के कर रहा है, चाहे वो रिक्शा चला के कर रहा है, चाहे वो मजदूरी होता ना फावड़ा उठा के जाता है, साइकिल में जाता है काम करता है, चाहे वो कर रहा है, चाहे फिर भट्टा में काम कर रहा है, कहीं भी काम कर रहा है, मकसद क्या है सबका? मकसद तो अपने परिवार के लिए अच्छा जीवन देना ही है ना। क्या वहां से दिया जा सकता है? नहीं दिया जा सकता। अगर दिया जा सकता तो भैया बहुत सारे लोग आज बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमते होते, अच्छे अच्छे घरों में रह रहे होते, वहां भी जिंदगी मुमकिन नहीं है मेरे दोस्त। जिंदगी तस्वीर तो लोगे लेकिन जिंदगी जी नहीं पाओगे, जिंदगी घसीट तो लोगे, जिंदगी खत्म कर लोगे आप, लेकिन कभी अच्छा कपड़ा, अच्छा खाना, अच्छा जीवन, अच्छी जगह घूमना फिरना, ये सारी चीजें आपको नसीब में भी नहीं देखने को मिलेगी, सपने में भी देखने को नहीं मिलेगी। जैसे कि कहा यहाँ पे कि भैया आनंद ठाकुर जी ने कि भैया गरीबों को तो किसके सपने आते हैं, भूत प्रेतों के सपने आते हैं, साला उसी में फंसे रहेंगे। तो मेरे दोस्त आपको एक चीज पे यकीन करना है, किस पे, किस पे, सबसे पहले खुद पे। कंपनी पे तो छोड़िए, कंपनी पे तो लाखों करोड़ लोग कर ही रहे हैं यार, सबसे पहले किस पे करना है, खुद पे। आप जिस कुर्सी में बैठे हो ना, आपको खुद पे यकीन करना है कि यार नहीं, मैं भी ऐसे जैसे मनीष सर बोल रहे थे कि मैं भी कभी टेम्पो चलाता था और आज 50-50 लाख की गाड़ी में घूम रहा है मैं। कभी मनीष और राम जी की वाइफ, उनकी बीवी शराब बेचा करती थी और आज आप देखिए कि कैसे हीरोइन जैसी यहाँ पे लोगों को सम्मानित कर रही है, कर रही है। तो पहले, सबसे पहले खुद पे यकीन करना है कि मैं भी अमीर बन सकती हूँ, मैं भी अमीर बन सकता हूँ, मैं भी ऑडी कार ले सकता हूँ, मैं भी ले सकती हूँ, मैं भी देश देश की यात्राएं कर सकती हूँ। पहले खुद पे भरोसा रखिए आपको अपने, क्योंकि पता क्या होता है, लोग सब पे विश्वास करते हैं, सर खुद पे विश्वास रहता है, उनको लगता ही नहीं कि मैं भी राइस बन सकता हूं। खुद पे विश्वास रखिए। मैं जब छोटा था, स्कूल में पढ़ता था, मैंने कभी भगवान से ये नहीं मांगा कि मुझे डॉक्टर बनाओ, मुझे इंजीनियर बनाओ, मुझे वकील बनाओ, मुझे कुछ और बनाओ। मैं जब भी भगवान से मांगता था, सिर्फ एक ही चीज मांगता था,
जब भी मैं मंदिर के सामने जाता था, माथा टेकता था, मैंने भगवान से सिर्फ एक ही चीज मांगी कि भगवान मुझे बस अमीर बना। क्या बना? सर शुरू से ख्वाब था, माइंड में था कि बस अमीर बनना है। और मुझे पता था डॉक्टर अमीर नहीं होता है, मुझे पता था इंजीनियर अमीर नहीं होता है, मुझे पता था भैया वकील अमीर नहीं होता है। अमीर तो सिर्फ और सिर्फ कौन होता है? बिजनेस मैन होता है। और बिजनेस मैन असल में बिजनेस मैन कहां मिलते हैं? नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में मिलते हैं, MLM इंडस्ट्री में मिलते हैं, सेल्स शॉप में मिलते हैं। तो जहां पर आप मार्केट में कोई किसी बिजनेस मैन को देखोगे ना, वो पूरा का पूरा दबा होता है कर्जे में। आप रिलायंस को भी अगर उठाकर देखोगे, उन्होंने भी सरकार से कर्जा लिया होता है। आप टाटा को देखोगे, टाटा ने भी कर्जा लिया है। जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन है, सब ने कहीं ना कहीं कर्जा लिया है। आपने सुना है ना, विजय माल्या इतना पैसा लेके भाग गया, क्या थे वो बिजनेसमैन तो थे ना। ये पहला ऐसा बिजनेस है मेरे दोस्त, MLM डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, सेल्स शॉप कंपनी जिसमें हम काम करते हैं, ये पहला ऐसा बिजनेस है, ये पहला ऐसा व्यापार है, ये पहला ऐसा धंधा है कि आपने कहावत सुनी होगी, आपने एक लाइन सुनी होगी जिसमें कहा जाता था कि ना हींग लगे ना फिट करी, रंग मिले चोखा। सुना है ने सुना है? ये वो बिजनेस है, क्योंकि यहां पे लागत कितनी है? जीरो। कितनी लागत है? मैंने 15 साल पहले क्या लगाया था? जीरो। मैंने सिर्फ शॉपिंग की थी। आज से 10 साल पहले मनीष और आन आए, क्या लगाया था?